अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं एनएचएम कर्मचारी शपथ लेता हूँ की जो लगातार 22 दिनों से हमारी हड़ताल चल रही है और पूरा होने तक मैं धरना स्थल को नहीं छोड़ूंगा और एनएचएम परिवार के साथ मिलकर कदम से कदम चलूंगा। देख सकते हैं कि एनएचएम कर्मचारियों को धरने पर बैठे हुए आज 22 दिन हो चुके हैं। पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे हुए ये एनएचएम कर्मचारियों में इतना रोष है सरकार के प्रति कि आज इन्होंने शपथ ग्रहण भी किया है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तब तक इनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। सरकार की ओर से अल्टीमेटम भी इन्हें आ चुका है कि अगर इन्होंने धरना नहीं खत्म किया तो इन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये अपना धरना प्रदर्शन छोड़ने को राजी नहीं है। जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी ये धरने पर यूं ही जारी रहेंगे। आइए बातचीत करते हैं एनएचएम कर्मचारियों से। बताएंगे कितने दिनों से धरने पर आप बैठे हैं? आज हमारे धरने का 22वां दिन है तो लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक हमारे लिए कोई भी सकारात्मक हमें नहीं दिखा है। लेकिन हम भी सरकार को बता देना चाहते हैं जब तक हमारी मांगों पर सकारात्मक रूप से कोई प्रतिक्रिया सरकार नहीं देती है हमारे लिए कोई लगातार नहीं करती है हमारे धरने पर कैसे पैसे चलते रहेंगे और आने वाले समय में दिखा देंगे। यदि कर्मचारी हित में उन्होंने बात नहीं की तो कांग्रेस की तरह वो भी सत्ता से चले जाएंगे। तो अल्टीमेटम दिया चुका है 24 घंटे का हमारे डिप्टी सीएमओ यहाँ बता के गए हैं कोई जिसको ज्वाइन करना हो कल तक कर सकते हैं। हमने अपने सभी साथियों से पूछा है कोई भी साथी ज्वाइन करने के लिए एक्टिव नहीं बल्कि जब तक धरना जारी रहे जब तक कि वो हमारी बात नहीं मानते हैं। आज हमारे सभी साथियों ने शपथ उठाई है जब तक वो हमारी बात नहीं मानेंगे हम हमने जी 20-20 साल हो आई है यहाँ सरकार हमने देख बना रही है हर बार ये कह रही है कि ये सेंटर की स्कीम है लेकिन सेंटर वालों ने स्पष्ट बता दिया आप हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारी हो हम तो फाइनेंशियली मदद कर सका हाँ फाइनेंशियली ये जब तक डिमांड नहीं करेंगे हरियाणा गवर्नमेंट को सेंटर कैसे देगा जी। इन्होंने खुद डिमांड करके और हमने 20-20 साल हो गए जी काम करती आनी 20 साल में हमारी 15,000 तनख्वाह हुई है जी जबकि रेगुलर बहन जी 7,000 रुपए स्टार्ट हुई थी यार आज वो 70-70 हजार रुपए है हम आज तक 15,000 की सैलरी पर पहुंचे हैं। कितनी शर्म की बात है 15,000 में आज इस महंगाई में खर्चा चला के दिखाओ कोई आदमी जबकि हमारे से इतना काम लिया जाता है एक रेगुलर आदमी से हम 10 गुना ज्यादा काम करते हैं। जब कोई टीम आती है तो ये तो बीमार हो जाते हैं इनकी छुट्टियाँ 1 मिनट में सैंक्शन हो जाती है हमारी तो कोई छुट्टियाँ भी नहीं होती और हमें डरा दिया धमका लगता है कि आप या तो अपने सेंटर पे आ जाओ अपना काम दिखा रहे हो जो भी कोई प्रोग्राम आते हैं सब एनएचएम वाले ही करते हैं अगर एनएचएम वाले नहीं करते तो अब करवा क्यों नहीं लिया सरकार ने सारे के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं सरकार को ये बता देना चाहती हूँ जब तक हमारी मांगो मान नहीं ली जाएंगी ना इतना हम जी धरने पर तो उठेंगे नहीं हमने बहुत कुछ सह लिया है। तो 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है तो आप क्या चाहते हैं हम जी चाहे 24 का कहते जी 7 घंटे का अल्टीमेटम दे दो हम जा को ना जी ज्वाइन को नहीं करा इसे अल्टीमेटम घने आयर घने गए बंसीलाल के टाइम में लगे थे जी बंसीलाल की सरकार गई चौटाला की सरकार गई 2 बार कांग्रेस की सरकार आली वो चकमारा हमारे पक्ष में नहीं गरीब का बीजेपी का कर गए काम तमाम पक्ष हम भी नहीं गए जी सर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम बिल्कुल अड़े हुए हैं और अब की बार आर या पार की लड़ाई होगी। धरने पर अनशन के ऊपर बैठे हुए सिर्फ 22वां दिन हो गया है भूख हड़ताल का वो आज 72+72+72 तीसरा राउंड चला हुआ है 72 का लेकिन मैं कंटिन्यू चला हुआ हूँ यहाँ से और मैं जब तक हमारा सेवा सुरक्षा लागू नहीं होता तब तक कामरण सब तक बैठा रहेंगे। अब सरकार का मतलब ये क्या कर रही है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ये गड़े में जो पक्की डाल रखी है सरकारों का शोषण हो रहा है इन कर्मचारियों का हमारे साथ भेदभाव हो रहा है पैसे में भी हो रहा है तनख्वाह में भी और वैसे भी टाइम पीरियड के अनुसार भी। हम चाहते हैं खाली सेवा सुरक्षा अगर ये सरकार हमारे को सेवा सुरक्षा देती है तो हमारे को ये लगेगा हाँ हमारा भी गुजारा है आदमी तो कहाँ जाएंगे लोग सेवा सुरक्षा नहीं मिली तो हर 6 महीने साल में कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाता है उनका शोषण हो रहा है दरबार अधिकारी वर्ग जो है 31 तारीख आ जाए फिर देखा है तुमने तो ये यहाँ तक पेड़ का मतलब शोषण कर रहे हैं हमारा
और जब तक सेवा सुरक्षा लागू नहीं होता तो ये जो है धरने पर जितने कर्मचारी है डटे रहेंगे, चाहे इनकी आमरण अनशन तक जान चली जाए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे इनकी बात। और सरकार ये बार बार कह रही है ना 10 हड़ताल कर दी, 10 बार हमने मांग कर ली, चलो उनकी मांग ली हमने 10 बार हड़ताल कर दी, आपने दिया क्या हमारे को ये बताओ, क्या दिया 10 बार में भी? इसलिए बार बार आग्रह करने के ऊपर, बार बार कहने के ऊपर जब ज्ञापन सौंपते हैं उसको, तो भी बार ये तरीके ऊपर जब आए हैं, जब कितने ज्ञापन सौंप के हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जब सचेत क्यों नहीं हुई सरकार? अब 22 दिन हो गए, इसकी जिम्मेवारी कौन है? जो मरीज बाहर से आते हैं वो बगैर दवाई के लौट रहे हैं, बगैर इलाज के लौट रहे, तो उसकी सरकार जिम्मेवारी नहीं है, उसकी जिम्मेवारी बनती है। और ये जो अधिकारी आंखों पट्टी बांध रही है सरकार के ऊपर, हमारी ये चल रही है, वो चल रही है, तो इनके सारी स्कीम बहुत बेमुंह पड़ी है, -0 इनकी रिपोर्ट जा रही है। और वो सरकार को भी जो है ना अंधे एक दूसरा तरह का आंखों पर पट्टी बांध रही है सरकार के जो अधिकारी। 24 घंटे का जो सरकार ने अल्टीमेटम दिया है, तो इसके प्रति सरकार क्या क्या चाहते हैं? सरकार 24 घंटे का दिया चाहे 24 दिन का दे, हम कहने का मतलब जब तक सेवा सुरक्षा लागू नहीं होता, जब तक हम डटे रहेंगे। आज यहाँ चाहे अपने बच्चों को भी ले गए, यहाँ अपने पशुओं को ले गए, और हम आमरण अनशन करेंगे, पर हटेंगे नहीं बिल्कुल, ये हमारा वादा प्रण करके बैठे हैं। आर या पाठ बताएंगे, आपने शपथ ग्रहण किया है आज, तो क्या कहेंगे? शपथ ग्रहण से लेके यहाँ काम तो आए निगरा के इतना हमारी मांगे मान लिए जाएंगे, कितने साल हो गए नौकरी करते हैं, लेकिन मेरा तंग आ गया, तंग आकर करते हैं, कोई सरकार कुछ नहीं करती जा रही है, इसलिए शपथ ग्रहण किया है। हमारे को अगर कुछ मिले नहीं का काम दवाई, तो 24 घंटे का अल्टीमेटम जो सरकार ने दिया है, तो उस बारे में अब क्या कहेंगे आप? 24 घंटे का कर्मचारी भी हैं जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं पिछले 22 दिनों से। आइए बातचीत करते हैं एम्बुलेंस कर्मचारियों से। 24 घंटे का जो सरकार ने अल्टीमेटम दिया है, तो इसके बारे में अब क्या कहेंगे? 24 घंटे का अल्टीमेटम जो सरकार ने दिया है, मैडम बिल्कुल बाप बोल दिए हैं, आत्महत्या बोल दिए हैं, किसी कारण हमारे ज्वाइन कर लेके, हम ज्वाइन करने वाले नहीं है जब तक हमारी सेवा सुरक्षा लागू नहीं करेंगे, 7 पे कमीशन लागू नहीं करेंगे जब तक हम यहाँ उसको करने जाएंगे। जो वैसे भुगड़ा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, इनको कैसे उपाय अधिकारियों को भेज रहे हैं, आखिर लोग कैसे मना के इसको लिया हो, 8 महीनों की सैलरी मिली, सैलरी मिल नहीं रही है और कहीं से ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, किसने मंत्री को CM बना दिया, किसने SM बना दिया, जिसने आज तक ये नहीं पता है NSM वालों ने कितनी बार हड़ताल की है, 10 बार हड़ताल की बात कर रहे हैं, आगे 10 बार हड़ताल करिए 2 बार ही है, उनको ये नहीं पता हरियाणा में हो क्या रहा है, किसने बना दिया हमें पता ही नहीं कि किस बेवकूफ ने उनको दे दी। अब की बार हम ये एक होता हम ये करें कि अब की बार हम वोट नहीं देंगे, बिल्कुल खाली पिट्टी रखेंगे उनको, क्योंकि हमारे जो शायद मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर रहे आज तक, अधिकारी दुखी है, दुखी अफवाह दे रहे हैं आगे, हमारा काम अच्छी तरह चल रहा है, हमारा ये चल रहा है, कौन सा काम चल रहा है डिलीवरी, आप ये बताओ, अभी 15,000 डिलीवरी 22 दिन 15,000 डिलीवरी प्राइवेट में, जो कि 4,70,00,000 के आसपास इनका बजट जो है, कहाँ कहाँ गए प्राइवेट वाले कमा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ सोच ही नहीं रहे क्या करें। तो आप घरने पर बैठे हैं पिछले 5 दिनों से बैठे हैं, तो एम्बुलेंस सेवाएं कौन दे रहा है? एम्बुलेंस सेवाएं कोई नहीं दे रहा मैडम, ये खामे खा की बात कर रहे हैं कि ऊपर झूठी वो दे रहे हैं स्टेटमेंट कि हमारी एम्बुलेंस चली हुई है, लेकिन वो एम्बुलेंस खड़ी कोई नहीं है, और चला भी रहे कोई प्राइवेट वाला चला रहा है, वो मरीजों की जान को जोखिम है, ठीक है, एक दो हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं है कि हमारी एम्बुलेंस एक्सीडेंट हो रही है, मरीजों को परेशानी हो रही है, जो एम्बुलेंस ड्राइवर है EMT है, जो एक्सपीरियंस होल्डर तो यहाँ बैठे हैं, किसी को ट्रक वाले को लाकर बैठा दिया, वो भरत चला लो कर लो, गाड़ियों का एक्सीडेंट करवा रहे हैं, मेडिकलों में पूछवा नहीं रहे, किसी को घर का नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि आप पड़े हैं कि हमारी एम्बुलेंस चल रही है। कह रहे हैं मैडम 8,000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं, 24 घंटे का ड्यूटी रहती है, कहीं भी ड्यूटी 50 किलोमीटर तक जाना पड़ रहा है, ना कोई अधिकारी हमारे को ध्यान देता है, कोई हर तरह से तकलीफ में फिलहाल, हम तब तक सुरक्षा CM हमारे लागू नहीं होंगे, हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, बताएंगे 24 घंटे का जो सरकार ने अल्टीमेटम दिया है, तो आप क्या करेंगे अब? मैडम चाहे 24 दिन का वे वे जब बिना उठना पड़ता है, हमने MD मैडम को 17 बार लिखी थी, मतलब हमारा स्टेट डेलीगेशन ने 17 बार लेटर दिया मीटिंग के लिए, MD मैडम के पास 1 साल से हमारी स्टेट कमेटी के लिए टाइम नहीं था,
अब हमें अल्टीमेटम दे रहे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती ना, हम देने से बिल्कुल नहीं हमें हमारी सेवा सुरक्षा और संशोधन सेवा नियमों में और सेवंथ पे कमीशन ये चीज़ें हमें नहीं मिल जाती तब तक हम देने से बिल्कुल नहीं होते। तो आप पिछले 22 दिनों से यहाँ पर घर में तो बैठे हैं, तो इस दौरान स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा मैडम, 60% NHM का स्टाफ है मैडम और 40% रेगुलर स्टाफ है, सारी जन व्यवस्थाएँ जनमराई हुई है, कोई काम स्थायी रूप से नहीं चल रहा। और आशा वर्कर्स में भी हमारा हमारी हम 13,000 NHM कर्मचारी हैं पूरे हरियाणा में और 19,000 हमारी आशा वर्कर हैं। आशा वर्कर यूनियन ने भी हमें समर्थन दे दिया है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सारी पूरे हरियाणा की आशा वर्कर हमारे साथ करीब अगले आने वाले समय में और सरपंच खाप प्रधान सारा समाज हमारे साथ होगा। और हम बीजेपी सरकार जैसे कांग्रेस की सरकार गई है ना, ऐसे बीजेपी सरकार चली जाएगी। बताएंगे पिछले 22 दिनों से आप घर में कर बैठे हैं, तो सरकार के बारे में 24 घंटे का क्या कहना चाहेंगे? ये तो लगातार हमने पहले भी हड़तालें की हैं, पिछले साल भी की, अल्टीमेटम तो हमें हर बार मिलता रहा है। और जैसे कि अब इन्होंने एक वार्निंग लेटर दिया है हमें, तो उससे तो हमारे सभी कर्मचारियों में ऊर्जा संचारित हो रही है, वो तो ऊर्जा भरने का कार्य कर रहा है। तो अब आप काम पर अपने जो काम पर लगेंगे या फिर धरने पर यूं ही बैठे रहेंगे? देखो सीधी बात है, ये लड़ाई है मान सम्मान की, अपने हकों की, अपने अधिकारों की लड़ाई। जब तक इन कर्मचारियों को अपना मान सम्मान अपना अधिकार नहीं मिलेगा, ये कर्मचारी हड़ताल पर ऐसे डटे रहेंगे। आपने शपथ ग्रहण किया है? हाँ, हमने नहीं, पूरे हमारे NHM परिवार ने शपथ ग्रहण किया है। बातचीत की धरने पर बैठे NHM कर्मचारियों से, उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का अल्टीमेटम दे या 48 घंटे का, चाहे कितने, हम अपने निश्चय से नहीं हटेंगे, हम यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। इस बीच देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप पड़ी हैं, एम्बुलेंस कर्मचारी हैं जो वो उस दौरान एम्बुलेंस सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। सोचने वाली बात है कि इस दौरान एम्बुलेंस सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं कौन दे रहा है? झज्जर से गौरव के साथ मैं सन्ना छाबड़ा, हर न्यूज़ हरियाणा।